विदिशा जिले के सिरोंज नगर के नवीन बस स्टैंड पर शुक्रवार को मिशन नगरोदय कार्यक्रम में शहरवासियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण लाइव सुना। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा भी थे। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास कर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और भाजपा इसी मूल मंत्र पर काम कर रही है। सिरोंज से नरेंद्र सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। 862 वार्ड क्रमांक 15 से लेके वार्ड क्रमांक 21 तक के जो वार्डों में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने से शेष रह गए थे 862 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। विदिशा जिले में 5 विधानसभाएं और 5 विधानसभाओं में सबसे अधिक खर्च आपके द्वारा किया गया, जो 4 विधायक हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं भैया, सब अपने अपने दृष्टिकोण से आ रहे, समय सीमा की बात की है, 21 मार्च तक प्रस्ताव जाते हैं, सब विधायक अपने ढंग से चिंता करते हैं, मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत आदि का क्या कार्य योजना रखी है? हमने जो रोड मैप जारी किया है उसके अनुसार हम भविष्य में काम करेंगे, अधोसंरचना के काम करेंगे, सीवेज बनाने का काम करेंगे, नए पार्क बनाएंगे, नए खेल मैदान बनाएंगे, चौराहों का सौंदर्यीकरण करेंगे, सड़कें जिनकी खराब हो जाती हैं उनका पुनर्निर्माण करेंगे, आवश्यक मूलभूत हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रक इत्यादि अलग से खड़े हो सके, और जो हमारे रोड मैप में हमने बिंदु दिए हैं उनके अनुसार काम करेंगे। जिले के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और जन सहयोग से, और जब हमें दूसरी तहसीलें जो हमारे जिले में सम्मिलित होना चाह रही हैं वो भी सहमति देंगी, हम उसे और पुरजोर से ढंग से उठाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।